नमस्कार, जन समय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं चांदनी परिहार ले चलती हूं आपको सीधे मुख्य समाचारों में। राजस्थान सेंट डीलर्स किराया व्यवसाय समिति की वार्षिक बैठक आयोजित। हिंदी दिवस पर आयोजित हुई प्रतियोगिता। बागरा और मांडवला में आरएसएस द्वारा हुआ पथ संचलन। भीनवाल के हितकारी सेवा संगठन को किया सम्मानित। ग्रीन सायला अभियान के तहत सरपंच ने किए पौधारोपण। सीवाना चोरी में रैकी करने वाला आया बागरा पुलिस की गिरफ्त में। हथकड़ी शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। उम्मीदाबाद के हाल बदहाल, हाई मार्च लाइट महीनों से बंद तो सड़कों पर गंदगी का आलम। कोमटा गांव के प्रशासन ने सुनी लोगों की आवाज, सड़क मार्ग हुआ व्यवस्थित। हलवाड़ में भामाशाहों ने विद्यालय में भेंट किए लैपटॉप। जसवंतपुरा में शहीद रमेश चौधरी को कैंडल मार्च निकाल दी श्रद्धांजलि। सुप्रसिद्ध गीतकार रविंद्र जैन की पुण्यतिथि मनाई। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान टेंट डीलर्स किराया व्यवसाय समिति की वार्षिक बैठक आयोजित। राजस्थान टेंट डीलर्स किराया व्यवसाय समिति की वार्षिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। वार्षिक मीटिंग के साथ प्रेस वार्ता भी आहूत की गई। बैठक के दौरान भारत सरकार द्वारा लगाई गई जीएसटी पर भी विशेष चर्चा की गई, जिसके तहत टेंट हाउस से जुड़े व्यवसायों को छूट दिलाने पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बैठक में जालोर जिला टेंट डीलर्स समिति सहित राजस्थान टेंट डीलर्स किराया व्यवसाय समिति के पदाधिकारी उपस्थित रहे। समिति के प्रदेशाध्यक्ष रवि जिंदल ने बताया कि बैठक में सरकार से टेंट हाउस के गोदाम हेतु अलग से भूमि आवंटन की मांग पर समस्त सदस्यों ने योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्णय लिया। साथ ही टेंट हाउस के उद्योग को आवश्यक सेवा उद्योग घोषित करवाने के बिंदु पर भी कार्य योजना बनाने पर सहमति बनी। बैठक के साथ आयोजित प्रेस वार्ता में कई पत्रकार बंधुओं ने उपस्थिति दी। वहीं टेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी जन समय के न्यूज स्टूडियो में आकर जीएसटी को लेकर अपने विचारों से अवगत करवाया। देखिए, जो जीएसटी हमारे व्यवसाय पे लगा है, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे टेंट व्यापार से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं वो 80% व्यापारी अनफड हैं, पढ़े लिखे बहुत कम हैं। जीएसटी की फॉर्मेलिटियाँ बहुत ज़्यादा हैं और जीएसटी में हमारे सर्विस जो व्यापार है। हिंदी दिवस पर आयोजित हुई प्रतियोगिता। कांतिलाल मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार सायला के सेंट्रल पब्लिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में हिंदी दिवस पर हिंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिता प्रभारी खुशबू राज पुरोहित ने कार्यक्रम की संपूर्ण बागडोर संभाली। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। विद्यालय प्रधानाध्यापक शैलेंद्र कुमार तिवारी ने छात्रों को हिंदी भाषा के महत्व के बारे में बताया। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ सहित छात्र छात्राएं उपस्थित थे। विजयवाड़ा से पर्वत शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार विजयवाड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल में श्री कनक दुर्गा समिति द्वारा गुरुवार 14 सितंबर को हिंदी दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसके तहत समिति की ओर से स्कूल के समस्त विद्यार्थियों को शिक्षक सामग्री सहित जूते जुराब वितरित किए गए। इस अवसर पर उपस्थित सदस्यों ने विद्यालय परिवार को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए विद्यार्थियों को राष्ट्रभाषा हिंदी का महत्व बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि हर एक विद्यार्थी को राष्ट्रभाषा का पूरा ज्ञान प्राप्त होना अनिवार्य है। इस मौके पर बीजेपी पार्षद उत्तम चंद भंडारी, घेवाराम प्रजापत, शांतिलाल सेन, मनोज कोठारी, सोमाराम गहलोत, सांकल चंद प्रकाश माली सहित स्कूल के शिक्षक उपस्थित थे। जसवंतपुरा से महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे के संस्कार विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में हिंदी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। संस्था प्रधान कांतिलाल शर्मा ने हिंदी दिवस पर उसके महत्व और उसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी दी। इसी तरह उच्च प्राथमिक विद्यालय वरेडा रानीवाड़ा में भी हिंदी दिवस को धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर विद्यालय में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मोद्रान से जगमाल सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय विद्यालय में हिंदी दिवस मनाया गया।
नेहरू युवा केंद्र की ओर से सामान्य ज्ञान एवं निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य ने हिंदी के सम्मान के साथ साथ विद्यालय परिसर में बच्चों द्वारा हिंदी में व्यवहार करने के निर्देश दिए। पारसाराम प्रजापत के अनुसार दादाल की आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी हिंदी दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य माधाराम प्रजापत, कालाराम देवासी सहित विद्यालय स्टाफ एवं छात्र उपस्थित थे। बागरा और मांडवला में आरएसएस द्वारा हुआ पथ संचलन। बागरा से सुमेर सिंह साथू की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से पथ संचलन निकाला गया। जय घोष की धुन पर कदम ताल मिलाते हुए चल रहा पथ संचलन कस्बे के विभिन्न मार्गों से गुजरता हुआ स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में संपन्न हुआ। पथ संचलन के दौरान ग्रामवासियों ने फूल और गुलाल उड़ाकर स्वयं सेवक का स्वागत किया। वहीं गोपाल रामावत की जानकारी के अनुसार मांडवला में भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा पथ संचलन किया गया। पथ संचलन उच्च माध्यमिक स्कूल से रवाना होकर गांव के मुख्य मार्गों से होता हुआ पुनः स्कूल प्रांगण में आकर संपन्न हुआ। पथ संचलन में सैकड़ों स्वयं सेवकों ने भाग लिया। भिनमाल के हितकारी सेवा संगठन को किया सम्मानित। भिनमाल वारा श्याम ट्रस्ट और हिंदू सेवा समिति द्वारा हितकारी सेवा संगठन को सम्मानित किया गया। पिछले दिनों आयोजित वारा श्याम जयंती और गणेश महोत्सव के तहत लगाई गई झांकी और मेले में हितकारी सेवा संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा शहर में जगह जगह पेयजल की व्यवस्था कर श्रेष्ठ कार्य किया गया। इससे प्रभावित होकर हितकारी सेवा संगठन को सम्मानित किया गया। इस दौरान वारा श्याम ट्रस्ट व हिंदू सेवा समिति के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। ग्रीन सायला अभियान के तहत सरपंच ने किए पौधारोपण। कांतिलाल मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार सायला उपखंड मुख्यालय पर राजाराम नगर गोलिया में आम चौहाटे पर ग्रीन सायला अभियान के तहत आज सायला सरपंच सुरेश राज पुरोहित के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। आम चौहाटे पर प्राथमिक विद्यालय के पास विभिन्न प्रजातियों के दर्जन भर पौधों के साथ उन पर सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड लगाया गया। सरपंच के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा सायला विकास के तत्वाधान में ग्रीन सायला अभियान के तहत चरणबद्ध रूप से सायला के मुख्य मार्गों पर पौधे लगाकर नियमित देखभाल की जा रही है। उन्होंने ग्राम पंचायत क्षेत्र में किए गए पौधारोपण की जानकारी दी। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए जन समय न्यूज। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं आपको अगले समाचारों की ओर। सीवड़ा चोरी में रैकी करने वाला आया बागरा पुलिस की गिरफ्त में। बागरा से सुमेर सिंह साथू की जानकारी के अनुसार पिछले दिनों बागरा थाना क्षेत्र के सीवड़ा, रायपुरिया, बीबलसर और बागरा में रात को सूने मकानों में चोरी करने वाले गिरोह के चार मुलजिमों को बागरा पुलिस ने पकड़ न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा चुकी है। उसी कड़ी में जांच पड़ताल करते हुए इन चोरियों के लिए रैकी करने वाला नागणी गांव के मदननाथ पुत्र भोमनाथ गोस्वामी को बागरा पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लेकर बुधवार को न्यायालय में पेश कर दिया है। ये शख्स दिन भर सूने मकानों और घरों की जानकारी लेकर अपने सदस्यों के साथ मिलकर रात में चोरियां करते हैं और उसके बाद अलग अलग जगहों पर जाकर छिप जाते हैं। हथकड़ी शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। जालोर जिले के रामसिंह थाने के निकटवर्ती सोमता गांव से पुलिस ने 2 लीटर हथकड़ी शराब बरामद करते हुए कस्तूराराम पुत्र तगाराम बागरी निवासी सोमता को गिरफ्तार किया गया। थानाधिकारी बाबूलाल मीणा ने बताया कि पुलिस द्वारा सोमता गांव में रेड मारने पर 2 लीटर हथकड़ी शराब के साथ आरोपी कस्तूराराम को गिरफ्तार किया गया। कल 6 बजे करीब हमें सूचना मिली थी मुखबिर से, सोमता गांव में एक व्यक्ति देसी जो हथकड़ी शराब होती है, हाँ सर,
वो बेच रहा है। अच्छा, इस पर हमारा जाब्ता गया और वहाँ पे वहाँ से सोमता निवासी कस्तूरा राम बागरी को। उम्मीदाबाद के हाल बदहाल, हाईमार्च लाइट महीनों से बंद तो सड़कों पर गंदगी का आलम। उम्मीदाबाद से कांतिलाल मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार उम्मीदाबाद कस्बे का हाल बेहाल हो रहा है। गांव के मुख्य बस स्टैंड पर लगी हाईमार्च लाइट 7 महीनों से बंद पड़ी है। साथ ही यहां और प्याऊ के पास कचरे की भरमार है, लेकिन स्थानीय प्रशासन हो या यहाँ के जनप्रतिनिधि, इनकी आंखों की रोशनी में इतना दम है कि दिन में इनको यहाँ फैला कचरा या उसकी गंदगी नहीं दिखती और रात में हाई मार्च लाइट बंद होने के बाद भी अंधेरा नजर नहीं आता। अब जब उन्हें अंधेरा और गंदगी ही नजर नहीं आ रही तो आम लोगों को उससे होने वाली परेशानी भला कहां से नजर आएगी। कोमता गांव के प्रशासन ने सुनी लोगों की आवाज, सड़क मार्ग हुआ व्यवस्थित। कोमता से जेतु सड़क मार्ग अति वर्षा के कारण बदहाल हो गया था। रास्ते में बड़े बड़े खड्डे पड़ चुके थे। इस पर कोमता गांव के जन समय के रिपोर्टर नरपत सिंह राव और गांव वालों ने मिलकर स्थानीय प्रशासन को लगातार अवगत करवाते रहे। आखिर स्थानीय प्रशासन ने अपने स्तर अनुसार व्यवस्था करते हुए जेसीबी की सहायता से रेत डलवाकर रोड को व्यवस्थित करवाया। थलवाड़ में भामाशाहों ने विद्यालय में भेंट किए लैपटॉप। पूरा राम थलवाड़ की रिपोर्ट के अनुसार थलवाड़ में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय हापानाड़ा में भामाशाहों ने लैपटॉप भेंट किए। इस मौके पर नोडल अधिकारी पुष्पराज भट्ट ने बताया कि विद्यार्थी विकास से ही राष्ट्र विकास संभव है। प्रधानाध्यापक लालाराम मीणा ने भामाशाहों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ सहित छात्र छात्राएं मौजूद थे। जसवंतपुरा में शहीद रमेश चौधरी को कैंडल मार्च निकाल दी श्रद्धांजलि। जसवंतपुरा से महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट के अनुसार शहीद रमेश चौधरी द्वारा कश्मीर के पुंछ इलाके में आतंकवादियों से मुठभेड़ करते हुए शहादत को प्राप्त किया था। उन्हीं शहीद रमेश चौधरी की प्रथम पुण्यतिथि पर श्री राम सेना जसवंतपुरा द्वारा चामुंडा माता जी मंदिर परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आयोजन में शहीद की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी। सभा में कई वक्ताओं ने राष्ट्रभक्ति के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। वहीं शहीद एवं भारत माता के जयकारों के साथ कैंडल लेकर मंदिर के मुख्य बाजार होते हुए नर्मदेश्वर महादेव मंदिर तक कैंडल मार्च निकाला। जालोर के सुप्रसिद्ध गीतकार रविन्द्र जैन की पुण्यतिथि मनाई। जालोर के सुभाष मार्केट में 13 सितंबर की शाम सुप्रसिद्ध बॉलीवुड गायक व संगीतकार रविंद्र जैन की पुण्यतिथि श्रद्धा पूर्वक मनाई गई, जिसमें फारूक शेख दीवाना और रतन पार्टी की ओर से गायक रविंद्र जैन के गीतों को सुमधुर शैली में गाकर उपस्थित श्रोताओं का मन मोह लिया। पुण्यतिथि कार्यक्रम में हिमताराम प्रजापत, सोमती सुधार, कांतिलाल सोनी और अनिल शर्मा सहित कई संगीत प्रेमी मौजूद थे। अब देखते हैं खेल समाचार। सायला से पूरा राम थलवाड़ के रिपोर्ट के अनुसार उपखंड क्षेत्र के जालमपुरा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में संकुल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह बुधवार को भाजपा जिला महामंत्री हीरा राम जाखड़ के मुख्य आतिथ्य एवं उपखंड अधिकारी केशव मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में अतिथियों को साफा और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं खेलों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ियों को शील्ड और इनाम देकर सम्मानित किया गया। इसी के साथ प्रतियोगिता आयोजन करवाने में योगदान देने वाले भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। वहीं सायला निकट बावतरा के मरुधर शिक्षक संस्थान विद्या मंदिर के खेल मैदान में आज 62वीं ब्लॉक स्तरीय प्राथमिक विद्यालय 11 वर्षीय छात्र छात्राओं की 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारम्भ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जालौर विधायक रामलाल मेघवाल के साथ अध्यक्षता ठाकुर भगवत सिंह ने की। कार्यक्रम में अतिथियों को साफा व माला पहनाकर स्वागत करने के बाद अतिथियों द्वारा परेड की सलामी ली गई,
प्रतियोगिता में कुल 9 संकुलों की टीमें भाग ले रही हैं। विपिन जोशी के अनुसार सांचौर के देवड़ा में बी लाल की ढाणी में पीईओ स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह सांचौर विधायक सुखराम बिश्नोई के मुख्य आतिथ्य और आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवड़ा के प्रधानाचार्य राम निवास सेवदा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। कार्यक्रम में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करते हुए भामाशाहों का विधायक द्वारा साफा बंधवाकर सम्मान किया गया। और अंत में मौसम विज्ञान की खबरें। पिछले कई दिनों से गर्मी की तपन झेल रहे जालौर वासियों को आज दोपहर बाद हुई हल्की बारिश ने ठंडक भरा एहसास करवाया। बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। वहीं जिला मुख्यालय जालौर के निकटवर्ती बागरा सहित आहोर, रानीवाड़ा, केशवना, बालवाड़ा और मोदरान क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हुई। बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई पड़ी। इसी के साथ ही जालौर शहर का आज का तापमान अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जन समय न्यूज में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालौर।